वेलकम टू अकरम डेरी फार्म चैनल। हमें आज नाचाराम बाबा नगर सैयद अली शाह दरगाह है यहाँ पर, जैसे आप सामने देख रहे हैं। तो नाचाराम में भी एक बाबा नगर है और ये भी हैदराबाद में है। तो मैं यहाँ के जो ओनर हैं उनसे सारी डिटेल बतलाऊँगा आप लोगों को। और जो हैदराबादी ब्रीड लाइन का शौक़ बहुत लंबे टाइम से चल रहा, कई लोगों के पास घरों में है जानवर, लेकिन अभी तक भी अच्छे जानवर शो हो रहे नहीं, बहुत कम लोग निकाल रहे हैं। तो आज इसी तरह यहाँ पर हमारे एक भाई के पास में हैदराबादी बकरियों का कलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से भाई? अल्लाह करे। क्या नाम है आपका? शेख वसीम। शेख वसीम, वसीम भाई आपके पास तीन बकरियां हैं यहाँ पर? चार बकरियां हैं, जिसमें से तीन सेल की है ना? जी नहीं, पूरे सेल के। पूरे सेल के, जो अंदर गुलाबी है वो भी है। ओके, और ये एक हैदराबादी बड़ा बकरा है। क्या एज है इसकी? पूरे रात पे ओपन पे है। और क्या साइज है इसके कान का? 21 इंच है। 21 इंच लंबा, 8 इंच चकलान, गले की झालर, कानों का साइज, लेंथ वगैरह देखिए, बहुत गर्म है, बहुत तेजी इस बकरी के अंदर। झालर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी। तीन बकरियां भरे हुए। एक अंदाजा हाइट कितनी होंगी इसकी? 40 प्लस रहेंगी हाइट। बहुत अच्छे पंच में है, देखिए क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह। रुआब देखिए माशाल्लाह, अभी भी इसका शान ब्रीड लाइन का डायरेक्ट बेटा है। ओके, शान ब्रीड लाइन का जो बकरा है उसका डायरेक्ट बेटा है और बहुत गर्म है देखिए, वाइट आइस में। 21 इंच लंबान, 8 इंच चकलान है और बहुत मोटे पैर है इसके। तो अभी ये सेल के लिए है जी? क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग आप? मैं 60 to 65,000 ये आपका आसिंग प्राइस है। कम करेंगे इसमें? जी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल। नेगोशिएबल भी कर देंगे। हाइट लेंथ माशाल्लाह बहुत शानदार है इसकी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके बाद में आपके पास ये वाली एक बकरी है और ये भी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे चेहरे में, जो ओल्ड ब्रीड लाइन आता है वैसा चेहरा है इसका, कान खुले है बिल्कुल। इसकी चलन वगैरह भी देखिए, जो पैर की चलन है बहुत खूबसूरत और अच्छे बड़े ताने के अंदर है। हाइट लेंथ अच्छी है। कितने दांत पे है? अभी दो दांत फ्रेश लगा रही है अभी। तो फ्रेश दांत लगाना स्टार्ट करी, छोड़ दी। पंच ओल्ड ब्रीड लाइन का पंच है इसके चेहरे पे। क्या साइज है इसके कान का? 17 है। अजा हो रही। तो चलिए, जैसे आप बात कर रहे थे इस बकरी के बारे में, जस्ट फ्रेश दांत लगा रही है और ओल्ड ब्रीड लाइन का पंच है इसके अंदर। अभी पार्ट है देखिए, दांत लगाई भी नहीं, दो दांत। क्या साइज है इसके कान का? इसके कान का वैसे लंबाई में 17 है जी। चकलान में जो है ना 6.5 से 7.5 के आसपास इसके चकलान है और लंबान 17 है। और 2 से 2.5 महीने की यही बकरे से गाभा समझिए। 2.5 महीने की गाभन भी है। ये बच्चा भी इसका ही। ये बच्चा कितने महीने का है? ये भी बच्चा 2.5 महीने का है। तो बकरी 1.5 महीने की गाभन होंगी? नहीं नहीं, 15 दिन में। मैं बकरी तो जो है ना उसके खरीब नहीं रखता हूँ, मैं मेरी आदत है बच्चा डालते हटा देता हूँ। अच्छा, 15 दिन में गाभ कराया। तो ये रिजल्ट इसी का है जी। और माशाल्लाह बिल्कुल गुलाबी रिजल्ट है देखिए, डबल बोन के अंदर पार्ट है। अच्छा, जैसा नर लगा रहे हैं वैसा बच्चा बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बकरी पूरी नासी रहने के बावजूद भी बच्चा देखिए सेम जैसा। अच्छा, ये बकरे के अंदर खूबी भी है असल, क्योंकि ये भी नासी है, नासी रहने के बावजूद अगर ऐसे बच्चे बना रहा तो बकरा भी बहुत अच्छा है आपका। लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है। कानों का साइज क्या है इसके? अभी मापा तो नहीं, 8 होंगे और चकलान में 4.5 आएंगे। 10 इंच आ जाएंगे लंबान इसकी करीब। 10 इंच लंबान और चकलान 5 प्लस रहेंगी करीब करीब। बिल्कुल गुलाबी है देखिए। और ये भी अलग से सेल करना है ना जी? साथ में ही दे देना। अगर सिंगल ये पार्ट देंगे आप तो क्या रेट में देंगे? मैं 25,000 ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। चेहरा बहुत अच्छा है इसका, गले की झालर, पार्ट रहने के बावजूद जड़ से खुले कान है, क्वालिटी बिल्कुल नर की तरह है इसकी। बाल कटाए थे क्या इसके भी आप? हाँ, मैं कटिंग करा। हाँ माशाल्लाह बहुत शानदार, बिल्कुल गुलाबी है देखिए, एकदम साफ चेहरा, एकदम गुलाबी, वाइट आइस में है, क्वालिटी बहुत बॉन्ड है। और सिर्फ 25,000 इसका आसिंग प्राइस है। कम करेंगे इसमें? जी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट में ये वाली जो बकरी थी इसका प्राइस क्या रखने वाले आस्किंग? इसका 70 एफर्ट कर रहा हूँ मैं। 70 एक्सपेक्ट है आपका जी। ये आस्किंग प्राइस है, प्राइसेस सारे नेगोशिएबल हो जाएंगे थोड़े। और ये कौन सी ब्रीड लाइन से है कुछ आइडिया? आइडिया तो हमारे एक दोस्त है जी, जो नेल्लूर में रहते हैं, उन्होंने बोले थे, उनके पेरेंट्स की भी है अपने कने वीडियो, अगर कोई बकरी के पेरेंट्स के है, वो कुछ कपाली ब्रीड लाइन बोल रहे थे। हमारा अपन जो हकीकत है जो है यही है समझिए। ठीक है, और जो दूसरे वाले है ये एक बकरी है, फिर ये एक्सट्रीम पंच में है देखिए, क्वालिटी माशाल्लाह बहुत शानदार है इसकी। और सिंग एक डैमेज हो गई इसकी ऊपर से, लोग लड़के तोड़ लिए, छिलका कैप निकल गया इसका।
ठीक है। अभी ये भी गाव है जी? हाँ ये भी गाव, यही बकरे से समझ, यही बकरे से। खैर रुआब वाला बकरा है, देखो आप इसका रुआब देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार। नहीं आ रहे भाई, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आपको। इसका प्राइस क्या बताए थे आप? 65,000 आसिंग प्राइस था इसका। नेगोशिएबल भी हो जाएंगे ये भी, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है इसके एक कान में रिंकल है ना? एक कान में रिंकल है। क्या साइज है इसके कानों का? 16 आते समझिए, 16 इंच लंबा है चकलान जी, 6 इंच रहते, 6 इंच के आसपास है। और पहले में दो बच्चे बनाई थी। अच्छा पहले में दो बच्चे बनाई थी, नेगलेट के तरफ से जोड़ा डाली थी और दोनों के काना खुले थे। ओके, वो वीडियोस भी है। तो अभी क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग? इसका 45,000 रख रहे हैं। 45,000 आसिंग प्राइस है। ये भी नेगोशिएबल है जी, ठीक है। और एक गुलाबी बकरी है, वो भी बतलाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले बहुत हेवी साइज में ये वाली एक बकरी, और तकरीबन कितने महीने की गाव होंगी ये? मेरे हिसाब से तो 4 महीने रहना चाहिए, क्योंकि वो मेरा घर का बकरा था, बकरी खुली रहती थी जी। गाभन वगैरह पेट वगैरह अच्छा निकले भाई, देखिए और बच्चे नजर भी आ रहे हैं इसके, भी छोड़ी भी है जी हाँ। और 4 थन वाली बकरी है ना जी? देखिए बड़े कास के अंदर है, 4 थन है, अडर बड़ा है इसका। क्या साइज है इसके कान का? इसका कान का साइज लंबाई में जो है 15 है जी, आड़े में जो है ना 5 इंच रखना। अच्छा 15x5 इंच है जी, और आइस इसके व्हाइट है, आइस है लेकिन बिल्कुल ओल्ड ब्रिड लाइन का जो चेहरा होता है, देखिए इसके अंदर भी आप देख सकते हैं मोटे चेहरे के अंदर, ऊपर के होठों में यहाँ पर जैसे ये डिंपल भी आते। थोड़ा चेहरा उठाइए इसका, बहुत वजनदार है माशाल्लाह, बकरे की तरह ताकत है इसके अंदर। ये देखिए चेहरा इसका, और ओपन पे है ना जी? हाँ ओपन पे है। दूध का अडर वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और पैरों की क्वालिटी देखिए इसकी, जो स्ट्रक्चर है बहुत खूब। बड़ी बकरी है, यानी आप लोग सामने से आके देखे तो बिल्कुल यानी एकदम सोच बदल जाएंगे आप लोगों की, बहुत बड़े स्ट्रक्चर में है। क्या प्राइस है इसका आसिंग? इसका भी 65,000, इसका भी 65,000 आसिंग प्राइस है। और ये भी वही बकरे से भरे हुई है ना जी? नहीं नहीं नहीं, व्हाइट गुलाबी बकरा था, ये गुलाबी बकरे से मीटिंग कराए थे। उसकी वीडियो भी है मैं कहने, अगर बताओ बोले तो बता। अच्छी बकरी है, कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप लोग बात करके ले सकते हैं। ये भी नेगोशिएबल करेंगे आप जी? कितना बोले प्राइस इसका? 65,000 आस्किंग प्राइस है, ठीक है। और एक लास्ट में गुलाबी बकरी है, नेक्स्ट में ये गुलाबी बकरी है, इसे दांत चेक करें आप, थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट में ये जो गुलाबी है, फ्रेश 8 दांत स्टार्ट कर रही, देखिए यानी 6 दांत की गिनती कर सकते हैं आप लोग, और बिल्कुल गुलाबी है कम्प्लीटली। सिर्फ पैरों पे स्पॉट्स है ब्लैक कलर के, और सिंग यानी मार्बल भी है और ब्लैक भी है, ग्रे कलर के सिंग है इसके। साफ कंडीशन बहुत टाइट है इसकी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यानी सभी बड़े बकरियों का काम है भाई के पास, और सेहतमंद बकरी। आप कंडीशन देखिए इसकी, ये भी गाव है वसीम भाई जी? हाँ ये भी गाव है। ये कितने महीने की गाव है? ये भी 2.5 महीने की गाव है, लेकिन खूबसूरती बहुत ज्यादा है इसमें, हाइट लेंथ। देखिए मैं आप लोगों को क्लोजअप यानी बिल्कुल सिर्फ नीचे से बतला रहा हूँ इसकी हाइट, गौर कर सकते हैं आप लोग। वाइट आइस में है, और ये बकरे से गाव है, इसी बकरे से गाबन है जो 21 इंच कान का बकरा है। ये कितने महीने की बोले आप? लोडेड 2.5 महीने की लोडेड है, कन्फर्म है। देखिए बिल्कुल गुलाबी, और साइज क्या बोले आप इसके कान का? कान के होंगे 15 या 16 होंगे भाई, 15 इंच के आसपास लंबा है, और चकलान 5 इंच रहेंगे, 5 आ जाएंगे इंशाल्लाह, प्लस ही हो जाएंगे कुछ माशाल्लाह। अच्छी गुलाबी बकरी है, कोई इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप लोग विजिट करके चेक करके देख के ले ये, और यानी मार्बल सिंग और कलर वगैरह खास है स्पेशली। और एक चीज़, जैसे लाइव कॉल रहेगा आज मंथ का लास्ट संडे है, तो 8 बजे से रहेगा लाइव, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो कर लीजिए, स्पेशली रिलेटेड रहेंगे एक्वेरियम फिशेस से, और जो 100K का सेलिब्रेशन है उसका कुछ सजेशन भी आप लोग चाहे तो दे सकते हैं उसमें। एड्रेस आपका एक बार फिर बतलाइए, इसका प्राइस बतला दे। इसका प्राइस जो है ना मैं 55 रख रहा हूँ। 55,000 इसका आसिंग प्राइस है। आइज भी वाइट है इसके, गुलाबी भी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, और नेगोशिएबल हो जाएगा ये भी, ठीक है। एक बार फिर से आपका लोकेशन बतला दीजिए। ये लोकेशन है बाबा नगर नाचारम सैयद शाह वली दरगाह के पास आके बोले तो आप। नाचारम वाला बाबा नगर है, और सैयद शाह वली दरगाह है यहाँ पर बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर भी अगर आए तो आप पिक कर लेंगे। चलिए इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं आप लोगों को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।